हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपको आना ही आना है पीछे का ट्रेंड उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन सी में सिक्स मार्क्स में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा क्वेश्चन सिक्स मार्क्स में पूछा जाता है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर लेट स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल डिफाइन किया हुआ है जब आप किसी प्रोसेस में किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाकर फिर आगे सेल करते हो इस पूरे प्रोसेस को ही प्रोडक्शन कहा जाता है तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इंटू फिनिश गुड्स जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके घर में फर्नीचर पड़ा होगा अब वो फर्नीचर वुडन है लकड़ी से बना हुआ है तो लकड़ी का पेड़ पहले पेड़ काटा पेड़ से लकड़ी मिली लकड़ी से फिर हम सुन सुंदर सा एक हमने फर्नीचर बनवाया कारपेंटर ने बनाया इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स अच्छा अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें फॉर एग्जाम्पल देखो उसमें लेबर इन्वॉल्व होगी लैंड इन्वॉल्व होगा मशीन इन्वॉल्व होगी कैपिटल लगने वाली है चारों फैक्टर यूज होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंड चारों लोग चारों चीजों की जरूरत है प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना क्या प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बारे में एक लाइन और कहता है प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो भाई जितने ज्यादा फैक्टर यूज करोगे प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने कम यूज करोगे प्रोडक्टिविटी उतनी कम तो प्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आगे हम मूव करते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ जहां पर हम पढ़ेंगे क्या हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं आज क्या समझेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट आप जब गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप डालेंगे उसमें लेबर चाहिए आपको मटेरियल चाहिए आपको फ्यूल चाहिए आपको फिर उसके बाद उसको सुपरवाइज करने के लिए चाहिए मशीनरी चाहिए इन सबको यूज करके आप जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उससे जो फिनिश गुड्स निकल कर बाहर आता है उनके बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन

नहीं आना चाहिए अभी तक हमने प्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ा कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन फिर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट अब इसी रिलेशनशिप को जब स्टडी करते हैं तो दो बातें हमें याद रखनी है पहला ये टेक्निकल रिलेशन होता है इसका सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशन देखना है कॉस्ट का नहीं देखना है दूसरा जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तब अब थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे हम नौ प्रोडक्शन फंक्शन को जब स्टडी करेंगे हम तो इस प्रोडक्शन को स्टडी करने के ना दो टाइम फेजेस में स्टडी किया जाता है दो टाइम फेज में स्टडी करेंगे जिसमें से पहला आता है हमारे पास शॉर्ट रन पहला फेज कौन सा है हमारे पास शॉर्ट रन और दूसरा फेज है हमारे पास लॉन्ग रन दो फेजिस में पढ़ा जाता है जो प्लस वन का सिलेबस है उसमें लॉन्ग रन का

कुछ फैक्टर्स हमारे पास फिक्स्ड होंगे और कुछ क्या होंगे वेरिएबल शॉर्ट रन में और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल माइनर सा जो डिफरेंस है वो यही है शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल शॉर्ट रन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम भाई मशीनरी परचेज कर सके हम लैंड परचेज कर सके लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम मशीन भी परचेज कर सकते हैं वेरिएबल तो इंक्रीज कर ही सकते हैं डिक्रीज कर ही सकते हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है तो लॉन्ग रन में हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हमें अगर फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं इसलिए उसको क्या बोला जाता है लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं जरा शॉर्ट रन में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर और जब लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल और शॉर्ट रन में रिटर्न टू फैक्टर अच्छा अब शॉर्ट रन की बात करें तो क्या होता है ओनली वन फैक्टर इज वेरियड एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर कैप्टेंट मतलब सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है बाकी सारे क्या होते हैं फिक्स होते हैं लॉन्ग रन में ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन आर चेंज अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो यहां पर हमारी फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है फैक्टर रेशो चेंज होगी यहां पर फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल हम जब शॉर्ट रन में कर रहे हैं हमने लैंड की दो यूनिट ली और लेबर की एक यूनिट फिर लैंड की दो यूनिट क्योंकि लैंड फिक्स है तो लैंड को तो चेंज कर नहीं सकते हम लेबर की दो यूनिट लैंड फिक्स लेबर अब अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में क्या है टू लैंड वन लेबर रेशियो क्या आ गया टू इस मैंने लैंड इंक्रीज करी डबल किया लेबर को भी डबल कर दिया ये फोर इज टू इसको कट करोगे तो ये टू इजू वन फिर से आ जाएगा

नहीं कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल को चेंज करते हैं इसलिए ये रेशियो चेंज हो जाती है तो शॉर्ट टर्न और लॉन्ग रन में डिफरेंस पता लग गया होगा फिर भी बता देता हूं शॉर्ट टर्न वो टाइम पीरियड जहां पर हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं और लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम सारे ही फैक्टर चेंज कर सकते हैं ओके okay, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर जब हम प्रोडक्शन करते हैं हमारा पूरा जो चैप्टर है ये हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे प्लस पॉइंट तो प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर क्या होते हैं फिक्स और कुछ फैक्टर क्या होते हैं वेरिएबल नाउ फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं फिक्स फैक्टर्स एज सजेस्ट जो चेंज नहीं होगा जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ठीक है जी ये ये दो जो नाम बताए मैंने ये क्या रहने वाले हैं फिक्स रहने वाले आप प्रोडक्शन जितना मर्जी करो ये उतना ही रहने वाला है शॉर्ट टर्म में हम लैंड नहीं परचेज कर सकते शॉर्ट टर्म में हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज नहीं कर सकते हैं तो फिक्सर कौन से हो गए विच डू नॉट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट आप चाहे छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हो या बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हो आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो और ये होता सिर्फ शॉर्ट रन में कहां पर होगा ये शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं ऑन अदर हैंड अगर हम वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं फैक्टर्स कैन बी चेंज चेंज विद इन आउटपुट जैसे आउटपुट जैसे चेंज होगी हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल लेबर रॉ मटीरियल पावर ये सारी चीजें फिक्स फैक्टर्स जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल भी फिक्स हो जाती है लेबर सॉरी वेरिएबल हो जाता है आपका लैंड एंड कैपिटल या प्लांट एंड मशीनरी और अगर वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो दो फैक्टर्स जिसे हम चेंज कर सकते हैं चेंज किसे कर सकते हैं हम लेबर को चेंज कर सकते हैं रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं पावर को चेंज कर सकते हैं तो ये वेरिएबल फैक्टर हो गया तो दो फैक्टर्स पढ़े हमने फिक्स्ड और वेरिएबल नेक्स्ट नेक्स्ट हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हैं हमने प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग ऊपर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं और शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के क्यू एक्स का मतलब आउटपुट ऑफ गुड एक्स एफ फंक्शन एल फोर लेबर के अब देखो के के ऊपर ऐसे बार लगाए हैं के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैपिटल और बार लगाए तो इसका मतलब कैपिटल क्या है फिक्स तो शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स रहता है और एक वेरिएबल तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के यानी कि शॉर्ट रन में किसी भी कॉमोडिटी का यानी कि यहाँ पर एक्स नाम लिया है क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड कैपिटल इज फिक्स तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ एक ऐसा फंक्शन जो स्टडी करेगा क्या रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और इसको डिफाइन करने का ये वन मार्क में पूछ लेता है आपसे कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन बताओ कैसे डेरिवेट करोगे कैसे लिखोगे तो क्यू एक्स इज इक्वल फॉर लेबर के फॉर कैपिटल एंड के बार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार का मतलब कैपिटल इज फिक्स इनको यूज करके हम ये जो प्रोडक्शन का कंसेप्ट करते हैं तो प्रोडक्शन में तीन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर हम एक पढ़ते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको नॉर्मली हम टीपी बोल लेते हैं टीपी इज टोटल प्रोडक्ट दूसरा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जिसको हम लेमैन में क्या बोल लेते हैं एपी एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज एमपीपी लिखा हुआ है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं एमपी एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ये तीन चीजें हम सीखेंगे इसमें पहले इस लेक्चर में आज कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट आता है एवरेज प्रोडक्ट आता है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आता है अब बात करते हैं हम टोटल प्रोडक्ट की तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं चाहे वो फिक्स हैं चाहे वो वेरिएबल है सबको यूज करके जितना आउटपुट आएगा सबको टोटल कर लो तो क्या बन गया टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट पर पर्सन प्रोडक्टिविटी एक लेबर कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एक एक्स्ट्रा लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्ट पे जो चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट अब तीनों को डिफाइन करते हैं अलग अलग से नौ सबसे पहले आ रहा है हमारे पास टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या इसे हम बोलते हैं टीपी पी मतलब कि टोटल प्रोडक्ट देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद फिक्स फैक्टर जब हम वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर की सभी यूनिट्स को यूज करके जितना भी हमारा प्रोडक्शन आता है सबको टोटल कर दे तो क्या बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट बन जाता है टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एन इसको ऐसे भी लिख सकते हो एपी इंटू एल लिख लेते हैं इज लेबर लेबर यूनिट एक ने कितनी प्रोडक्टिविटी करी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेबर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आता है यहां पर टीपीपी का मतलब बताया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट सम ऑफ मार्जिन या फिर आप एमपी को ऐड करना शुरू कर दो ये आगे करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा फिलहाल आप टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझे टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सम टोटल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज फिक्स फैक्टर नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट एपी एवरेज प्रोडक्ट क्या है एवरेज प्रोडक्ट इज प्रोडक्टिविटी पर लेबर एक लेबर आपको कितनी प्रोडक्टिविटी करके देती है इट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर तो एपी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टीपी अपॉन एल एल मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा वेरिएबल फैक्टर हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं लेबर टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर दो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल लैंड हम लैंड का एक यूनिट ले रहे हैं मान लेते हैं किसी सिचुएशन में लेबर की दस यूनिट है और उस सिचुएशन में हमारा टोटल प्रोडक्शन हंड्रेड है तो एवरेज प्रोडक्शन कितना आ जाएगा एवरेज प्रोडक्शन इज हंड्रेड डिवाइड बाई टेन यानी कि एक लेबर ऑन एवरेज हमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है टेन यूनिट्स प्रोडक्शन करता है एक लेबर दैट इज एवरेज प्रोडक्ट देन नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है मैं बार बार एक बात समझाता हूं आप वर्ड मार्जिन समझ लो बहुत जगह पर यूज होता है मार्जिनल मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल ड्यू टू एन एडिशनल तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने की वजह से टोटल प्रोडक्ट के ऊपर जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट देखो कैसे कैलकुलेट हो गए इसको ऐसे लिखते एन माइनस एन माइनस वन फॉर एग्जाम्पल लेबर टेन टीपी हंड्रेड लेबर इलेवन टीपी हंड्रेड एंड नाइन देखो जब दस लेबर थे तो हमारा प्रोडक्टिविटी कितना आ रहा था हंड्रेड यूनिट का हमने एक लेबर और इंट्रोड्यूस किया तो हमारा प्रोडक्टिविटी कितना हो गया हंड्रेड एंड इन ऐसे में अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या लगाएंगे फॉर्मुला टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन इससे ऊपर तो मुझे पता नहीं है तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा ब्लैंक छोड़ दूंगा नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा लेबर की वजह से मेरे आउटपुट पर टोटल प्रोडक्टिविटी पर कितना चेंज आया हंड्रेड एंड नाइन माइनस हंड्रेड तो नाइन इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने की वजह से मेरे को नौ यूनिट्स का फायदा हो रहा है इसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट तो होप आप सभी को ये तीन टॉपिक समझ में आए होंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट इनको अच्छे से रिवाइज करना है बिकॉज इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बेस करेगा हमारा सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन जो हम अगले लेक्चर में करेंगे जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वही है डियर फ्रेंड्स तो इसके बाद उसको उसको समझेंगे अच्छे से अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच